दोस्तों, इवन एप्टीट्यूड एकेडमी में फिर से आपका एक बार स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास ट्वेल्थ का बिजनेस स्टडीज का सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो ये जो सिलेबस होता है या सब्जेक्ट जो है, ये हमारा बिजनेस स्टडीज का, ये 10+2 कॉमर्स के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो ये उनके लिए बनाया गया है वीडियो। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो एग्ज़ाम है 2021-22 में, ये दो टर्म्स में होना है, टर्म वन एंड टर्म टू। तो टर्म वन जो है वो हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है, एमसीक्यू आएंगे, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आएंगे आपको बबल फिल करने होंगे, चार ऑप्शंस होंगे। और टर्म टू जो है वो हमारा सब्जेक्टिव टाइप का पेपर रहेगा। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आपके जो सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कुछ चैप्टर्स कट भी किए गए हैं, और कौन कौन से चैप्टर्स हमारे फर्स्ट टर्म में आने हैं, कौन से चैप्टर्स हमारे सेकेंड टर्म में आने हैं, और कितने कितने मार्क्स के वो चैप्टर आने हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो कुछ लंबा हो सकता है क्योंकि डिटेल स्टडी होगी, तो धैर्य बनाए रखें, तो ध्यान से देखें वीडियो, और हो सकता है कुछ एक इसमें में से आ जाए आपका। ठीक है, क्योंकि सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे तो एमसीक्यू में फैक्ट्स तो आते ही हैं, तो जो सिलेबस में लिखा रहता है उसमें आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास पार्ट ए। ठीक है, तो पार्ट ए का मीनिंग क्या है यहाँ पर? प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ये ब्रॉड आपको पार्ट का नाम दे दिया गया, पार्ट ए है, प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फर्स्ट देखते हैं हम। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर कह लो आप इसमें या यूनिट कह लो, तो नेचर एंड। ठीक है, पहला क्या है? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो ये हमारा जो आना है, देखिए अलग से नहीं है ये, तो ये कंबाइंड वे में 16 नंबर का आना है, 16 मार्क्स का। ठीक है, फर्स्ट है, और उसके बाद आपके पास है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ये भी इसके साथ ही है। तीसरा है हमारे पास बिजनेस एनवायरमेंट, ये भी इसके साथ ही है। ठीक है, तो बिजनेस एनवायरमेंट भी आएगा। देन फोर्थ है हमारे पास बिजनेस, सॉरी थर्ड हो गया बिजनेस एनवायरमेंट, फोर्थ है आपके पास प्लानिंग। ठीक है, तो प्लानिंग अलग से, मतलब फर्स्ट थ्री जो है वो 16 मार्क्स के हैं। ठीक है, पहले तीन जो है पार्ट ए में से वो 16 मार्क्स के हैं। तो प्लानिंग जो फंक्शन है हमारा मैनेजमेंट का, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग दो फंक्शन हो गए, तो ये हमारे 14 मार्क्स के हैं। तो टोटल यहाँ पर 30 मार्क्स का हो गया ये सारा सिस्टम पार्ट ए। अब पार्ट बी जो है उसमें क्या है, देखिए बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग, बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। तो यहाँ पर जो है ये हमारा 10 मार्क्स का बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग, क्योंकि टोटल 40 मार्क्स का आना है टर्म वन का पेपर। तो यहाँ पर हमारे पास मार्केटिंग मैनेजमेंट है। ठीक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट, तो ये 10 मार्क्स का हो गया। तो टोटल हमारा 40 मार्क्स का ये सिलेबस होगा, 10 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट वर्क के लिए। ठीक है, तो अब हम डिटेल में देख लेते हैं पार्ट ए में जो हमने देखा है, ये टर्म वन में जो आपका सिलेबस है उसकी डिटेल्स देख लेते हैं पहले हम, क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले हमारे पास यूनिट नंबर वन, ठीक है, दोबारा से मैं नाम नहीं बोल रहा, तो यहाँ पर देखिए क्या क्या आना है। तो सबसे पहले है हमारे पास मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट के अंदर क्या आना है, कॉन्सेप्ट क्या होता है मैनेजमेंट का, देन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं मैनेजमेंट के, और तीसरा है हमारे पास इम्पोर्टेंस क्या है मैनेजमेंट की। ठीक है, तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन वगैरह पढ़ लो, इम्पोर्टेंस पढ़ लो, कॉन्सेप्ट पढ़ लो, तो मैनेजमेंट जो वर्ड है ना उसके से रिलेटेड सारी चीजें हो गई। देन मैनेजमेंट एज साइंस आर्ट्स और प्रोफेशन। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या है, साइंस है, आर्ट्स है या प्रोफेशन है। ठीक है, ये पेट क्वेश्चन था वैसे तो, लेकिन यहाँ पर एमसीक्यू में आना है तो यहाँ पर आने का चांस कुछ और तरह से आएगा, क्योंकि एमसीक्यू आने आपके पास। तो देन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, देन उसके बाद क्या है, मैनेजमेंट फंक्शंस। ठीक है, तो मैंने बताया था मैनेजमेंट फंक्शंस ये सारे आपके सिलेबस में है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, ठीक है, डायरेक्टिंग है एंड कंट्रोलिंग, ये सब मैनेजमेंट फंक्शंस होते हैं। देन यहाँ पर देखिए अब क्या है, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन में क्या क्या करना है आपको, कॉन्सेप्ट क्या होता है एंड इम्पोर्टेंस क्या होती है। उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे, तो नीचे हम पहुँच जाते हैं यूनिट नंबर टू के ऊपर। तो यूनिट नंबर टू जो है वो हमारा किस चीज़ से रिलेटेड है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड है यूनिट नंबर टू। तो यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आ गया पहले, देन कॉन्सेप्ट आ गया, देन सिग्निफिकेंस हो गया इसका, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का। अब हम नीचे आते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या है, फ्यूल्स। ठीक है, फ्यूल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ये आपको करना है सबसे पहले,
फ्योर्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। देन आ जाता है हमारे पास टेलर्स, ठीक है, फ्योल के हो गए, उसके बाद टेलर, ठीक है, टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट, टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट। देन इसके प्रिंसिपल्स एंड, ठीक है, टेक्निक्स, प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। उसके बाद आ गया बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, किस एनवायरनमेंट के अंदर बिजनेस हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है, उसका फिर क्या है आपके पास कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, देन उसकी इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट की। तो डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, मतलब यहाँ पर इस चैप्टर में आपको सारा बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में सब कुछ पढ़ना है। देन इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, ठीक है, और पॉलिटिकल एंड लीगल, ये सब कुछ सब आपको करने हैं, ठीक है, डायमेंशंस ये सारी की सारी आपको करनी है। उसके बाद यूनिट नंबर 4 में आए थे हम। यूनिट नंबर 4 हमारा प्लानिंग से रिलेटेड है। तो प्लानिंग, ठीक है, आपने फंक्शंस देखे थे, फंक्शन में हम एक एक फंक्शन को पकड़ लेंगे यहाँ पर। तो पहला फंक्शन प्लानिंग था, तो प्लानिंग, प्लानिंग को डिटेल में पढ़ लो, प्लानिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, देन इंपॉर्टेंस क्या है प्लानिंग की, देन लिमिटेशंस क्या है प्लानिंग की, ठीक है, फर्स्ट है ना, फर्स्ट फंक्शन है प्लानिंग। उसके बाद क्या है प्लानिंग प्रोसेस, ठीक है, प्लानिंग करोगे तो किस प्रोसेस से करोगे। देन यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 5 आ गया ऑर्गेनाइजिंग। तो सेकंड फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग, तो प्लान कर लिया उसके बाद ऑर्गेनाइज करो। तो देन ऑर्गेनाइजिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, देन इसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ऑर्गेनाइजिंग की, देन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस क्या है, ठीक है, ऑर्गेनाइज करोगे क्या प्रोसेस फॉलो करोगे, देन स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज रहती है, फंक्शनल है या फिर हमारा पास डिविजनल है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है इसमें। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं ये। देन उसके बाद आए थे हम हमारे पास डेलीगेशन, ठीक है, डेलीगेशन, डेलीगेशन मतलब किसी चीज को डेलीगेट कर देना, दूसरों से काम करवा लेना, ठीक है, खुद ना करना, दूसरों से आगे डेलीगेट कर देना। देन कॉन्सेप्ट क्या है, इसके एलिमेंट्स क्या है, ये सब चीजें आ गई। देन इसके बाद आए थे डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, अब डिसेंट्रलाइजेशन काम की भी हो सकती है, पावर की भी हो सकती है, ना? तो यहाँ पर भी हमारे पास डिसेंट्रलाइजेशन मतलब सारे के सारे एक के पास नहीं है अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया, नीचे सबॉर्डिनेट्स में बांट दिया उस टाइप से। देन पार्ट बी में आए थे हमारे पास बिजनेस फाइनेंस, ठीक है, एंड मार्केटिंग। तो यहाँ पर मार्केटिंग और फाइनेंस पे जोर देना है। तो पहला है मार्केटिंग, तो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, देन फंक्शंस क्या है मार्केटिंग के, क्यों करते हैं मार्केटिंग, देन हमारे पास आ जाती है फिलोसफीज, ठीक है, फिलोसफीज मार्केटिंग की कर लो। उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे, नीचे हमारे पास है मार्केटिंग मिक्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है मार्केटिंग मिक्स, ठीक है, कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट्स, एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं मार्केटिंग मिक्स में। देन हम आ जाते हैं नीचे प्रोडक्ट, ठीक है, ब्रांडिंग, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के साथ जो रिलेटेड है, ठीक है, मार्केटिंग मिक्स में ये पहला है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में आगे क्या स्टडी करनी है, ब्रांडिंग स्टडी कर लो, लेबलिंग स्टडी कर लो, ठीक है, देन पैकेजिंग स्टडी कर लो, इतनी सुंदर सुंदर पैकेजिंग क्यों होती है साबुन की, ठीक है, ब्रांडिंग क्यों होती है, तो ये सब कारण है ना, बिके माल, कॉन्सेप्ट क्या है इसका। देन प्राइस, ठीक है, तो प्राइस कैसा होना चाहिए, कॉम्पिटिटर से अगर बहुत बड़ा रख दोगे प्राइस तो नहीं बिकेगा ना। देन कॉन्सेप्ट क्या है प्राइस का, फैक्टर्स क्या है, ठीक है, फैक्टर डिटरमिनेशन और प्राइस। तो साइंटिफिकली प्राइस को भी डिटरमिन किया जाता है, ठीक है, कोस्ट तो पता ही होता है आपको, उसके ऊपर आपने कितना प्रॉफिट लेना है। देन उसके बाद आता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट। अब सामान बन तो गया, उसको कंज्यूमर तक पहुंचाना है ना, ठीक है, तो पहले दुकानदार तक पहुंचाओगे, शॉपकीपर तक, ठीक है, तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। देन क्या प्रमोशन, तो प्रमोशन कैसे करोगे, अपना जो सामान बनाया लिया उसको प्रमोट कैसे करोगे, तो कॉन्सेप्ट क्या है प्रमोशन का। देन एलिमेंट्स क्या होते हैं इसके, जैसे एडवर्टाइजिंग है, वॉशिंग पाउडर, निर्मा, ठीक है, इस टाइप के आपके पर्सनल, ठीक है, सेलिंग, घर घर जाके सेल्स गर्ल, सेल बॉयज, उस टाइप का रख देते हैं ना, प्रमोट करते हैं जो सेल्स, ठीक है, सेल्स प्रमोशन कैसे होनी है। देन पब्लिक रिलेशंस, ठीक है, जैसे मॉल के आगे खड़े होते हैं लोग सेल्स प्रमोशन के लिए, कुछ लोग मॉल्स में जाके खड़े होते हैं, जहाँ भी ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है वहाँ पर हो जाते हैं खड़े।
तो वो भी तरीका है सेल्स प्रमोशन का। अब हम बात करते हैं टर्म टू के सिलेबस की। तो टर्म वन जो था ऑब्जेक्टिव टाइप था, आपको पढ़ना भी उस तरीके से उसको टर्म वन को, लेकिन टर्म टू जो है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप है, तो यहाँ पर आपको डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी। तो पार्ट ए में आ जाते हैं हम। तो पार्ट ए यहाँ पर प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट दोबारा से आ गया। अब जो बचे कुछ थे वो यहाँ पर स्टडी कर लेंगे। कुछ तो हमने वहाँ प्लानिंग कर लिया, ऑर्गेनाइजिंग कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्टाफिंग है आपके पास, स्टाफिंग के बाद हमारे पास डायरेक्टिंग है, ये सब फंक्शन चल रहे हैं, ठीक है। देन हमारे पास कंट्रोलिंग है, तो ये सब मिला के आपके पास 20 मार्क्स का है हिसाब किताब। तो 20 मार्क्स का आपका ये आ जाएगा। उसके बाद हम पार्ट बी में आए थे। तो पार्ट बी में हमारे पास बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग, तो इससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट आया पहला टॉपिक, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देन एक बार फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर लिया, देन फाइनेंशियल मार्केटिंग, ठीक है, दूसरा टॉपिक है। और तीसरा टॉपिक हमारे पास आ जाता है फिर कंज्यूमर, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो ये कुछ एक मतलब एडवांस टॉपिक यहाँ पर स्टडी हो रहे हैं आपके, ठीक है। पहले जनरल स्टडी कर ली, अब यहाँ पर एडवांस कर लिए। तो ये भी 40 मार्क्स का सारा डिस्ट्रीब्यूशन है टोटल जो टर्म टू का है। तो अब टर्म टू की हम डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। नाम तो एक बार पढ़ लिए हमने। तो यहाँ पर पहला क्या था, स्टाफिंग था। अब स्टाफिंग में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ठीक है, और स्टाफिंग की इम्पोर्टेंस को समझ लेना है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्टाफिंग प्रोसेस, स्टाफिंग प्रोसेस कैसी होगी। अब स्टाफिंग का मीनिंग क्या है, जैसे मान लीजिए आपका आपने कोई कंपनी लगाई, तो उसके अंदर जो है आपको डिफरेंट टाइप्स के ह्यूमन रिसोर्स चाहिए ना, कुछ टेक्निकल होंगे, कुछ नॉन टेक्निकल होंगे, ठीक है। तो वो जो जितना भी है आप कहाँ से लाएंगे उन सबको, ठीक है, सैलरी कहाँ से देंगे, तो सारी की सारी चीज़ें स्टाफिंग से रिलेटेड, मतलब जो आपका इंसान एम्प्लॉय से रिलेटेड काम है वो सारा स्टाफिंग से रिलेटेड है। स्टाफ कौन होता है, एम्प्लॉयज ही होते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्या है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ठीक है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस मतलब भर्ती कैसे करोगे, उनको रिक्रूट कैसे करोगे आप। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट का पार्ट आ जाता है आगे सिलेक्शन प्रोसेस। देन ट्रेनिंग, उनकी ट्रेनिंग भी तो कराओगे, ठीक है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। मान लीजिए नई चीज आ गई मार्केट में, तो उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी एम्प्लॉयज को, तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो कुछ लोग तो हायर स्टडीज भी प्रोवाइड करवाते हैं जैसे एम्प्लॉयज को, अब उसका कॉन्सेप्ट क्या है, देन उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, देन उसके बाद मेथड्स क्या है, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग कैसे देनी है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग देनी है या फिर हमको कन्वेंशनल ट्रेनिंग देनी है, क्लासरूम ट्रेनिंग देनी है, तो उस टाइप का सारा सिस्टम रहता है। देन हमारे पास आ जाता है अप्रेंटिस टाइप का सिस्टम है, ठीक है। जैसे आप कुछ लोग आईटीआई करते हैं तो बाद में अप्रेंटिस वगैरह रख लिए जाते हैं, तो वो फुली रोल पर नहीं होते कंपनी के, ठीक है, काम तो करते हैं लेकिन वो बहुत कम पैसा देके काम ले लिया जाता है उनसे। देन इंटर्नशिप भी वैसा ही है हमारे पास कि इंटर्नशिप ट्रेनिंग ड्यूरिंग द एजुकेशन, ठीक है, जैसे मान लो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर किसी ने किया, बीच में इंटर्नशिप डाल दी गई, तो वो काम सीखते भी हैं और काम करते भी हैं, उस टाइप का सिस्टम रहता है। तो ये सब स्टाफिंग में इन्वॉल्व है। अब हमारे पास यूनिट 7, तो यूनिट 7 क्या है, डायरेक्टिंग, ठीक है, डायरेक्टिंग, डायरेक्शन से बने डायरेक्टिंग। तो आप जो कमांड्स हैं, आपको जो ऑर्डर्स हैं वो डायरेक्ट करने हैं ना अपने सबॉर्डिनेट्स को। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए डायरेक्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। देन एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, एलिमेंट्स क्या क्या है डायरेक्टिंग के लिए। तो यहाँ पर क्या है, मोटिवेशन, ठीक है, एम्प्लॉयज को मोटिवेटेड रखो, अगर मोटिवेटेड नहीं रखोगे तो छोड़ के भाग जाएगा, काम भी नहीं करेगा ढंग से। तो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट क्या है इसका, कॉन्सेप्ट के बाद इसके बाद एक अभी ये आ गया बंदा, ठीक है, तो इस बंदे का नाम क्या है, मैस्लोस। तो इसने एक क्या दे दिया, हायरार्की दे दी, मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स, ठीक है, इसने एक हायरार्की दे दी। हायरार्की किसकी चीज की, नीड्स की, जरूरतों की। देन फाइनेंशियल एंड, ठीक है, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। तो आपको जो अपने एम्प्लॉयज हैं उनको मोटिवेटेड रखना है, तो उनको या तो पैसा उनको ऐसा दो, ठीक है, पैसा बढ़ा के दो, या फिर नॉन फाइनेंशियल कुछ एक उनको घूमने के लिए जाने दो, कुछ एक उसको वाउचर दे दो, इस टाइप के उनको प्रमोशन दे दो, इंसेंटिव तो देने पड़ेंगे ना अगर काम अच्छा करता है एम्प्लॉय तो। अब हम आ जाते हैं नीचे, इंसेंटिव दे दिए गए हैं। अब यहाँ पर हमारे क्या लीडरशिप है, ठीक है, अब लीडरशिप क्या है, जैसे बॉस है, बॉस के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए। मान लीजिए 30 का एक स्टाफ है, उनको एक बंदा हेड कर रहा है, उसको पास लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है, तो वो हेड नहीं कर पाएगा, नीचे वाले जो सबॉर्डिनेट है वो आगे आ जाएंगे। तो अब कॉन्सेप्ट क्या है लीडरशिप, मतलब बॉस के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए, स्टाइल क्या है उसके, ठीक है,
देन अथॉरिटेटिव, ठीक है, अथॉरिटी से बना अथॉरिटेटिव, ठीक है, देन डेमोक्रेटिक, ठीक है, अथॉरिटेटिव तो होना चाहिए, साथ में डेमोक्रेटिक भी होना चाहिए, भेदभाव नहीं रखना चाहिए, सबके साथ सेम उस पर चले। और साथ में क्या है हमारे पास, लेसेज फेयर, ठीक है। तो उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन मतलब अपनी बात को आप दूसरे तक पहुंचा पाओ, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, कहते हैं ना कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, उसका फॉर्मेट फॉर्मल क्या है, एंड दूसरा क्या है नॉन फॉर्मल, फॉर्मल इनफॉर्मल टाइप का कम्युनिकेशन, ठीक है। दो तरह के कम्युनिकेशन होते हैं, एक फॉर्मल एक नॉन फॉर्मल। उसके बाद आ जाता है हमारे पास यूनिट नंबर 8। यूनिट नंबर 8 हमारे पास कंट्रोलिंग है। तो आप किस चीज को कंट्रोल करोगे, कोई सामान बन रहा है तो सब कुछ आपके कंट्रोल में रहना चाहिए, ये नहीं कि कंट्रोल से बाहर चला गया। तो यहाँ पर कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग कॉन्सेप्ट क्या है कंट्रोलिंग का, देन उसके बाद इम्पोर्टेंस क्या है कंट्रोलिंग की, ठीक है। देन आए थे हमारे पास स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग का सीधा कॉन्सेप्ट ये है कि जो कुछ हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में वो अकॉर्डिंग टू प्लानिंग होना चाहिए। अगर तो वो अकॉर्डिंग टू प्लानिंग हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है दैट मीन्स वो कंट्रोल से बाहर है चीज। उसके बाद आते हैं यूनिट नंबर 9। तो यूनिट नंबर 9 है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब जो पैसा है, पैसे का मैनेजमेंट कैसे करोगे, पैसा ही है फाइनेंशियल में, तो लोन लोगे क्या करोगे, है प्रॉफिट है लॉस है, वो सब चीजें, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो उसमें क्या आ गया कॉन्सेप्ट, सबसे पहले आ गया कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव्स, क्यों करना चाहिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देन क्या है फाइनेंशियल डिसीजंस, तो फाइनेंशियल डिसीजन मतलब पैसे से रिलेटेड डिसीजन। अब इसमें क्या है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कर लो, ठीक है। दूसरा क्या है फाइनेंसिंग है, इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग एंड, ठीक है, डिविडेंड, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड। देन मीनिंग एंड फैक्टर्स, मीनिंग एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, मीनिंग क्या है, ये सब चीजें, ठीक है। तो फाइनेंस से रिलेटेड आपको जितना भी काम है इसमें, चाहे लोन दे लेना हो या डिविडेंड देना हो, वो सब चीजें इसमें आ जाते हैं टॉपिक्स। देन इम्पोर्टेंस क्या है, देन उसके बाद क्या है कैपिटल, ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर, देन कॉन्सेप्ट एंड फैक्टर्स, कॉन्सेप्ट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, अब हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फिक्स्ड एंड, ठीक है। दूसरा क्या है वर्किंग कैपिटल, दो तरह की कैपिटल को हमने डिस्कस करना है, एक तो फिक्स्ड कैपिटल है, दूसरा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब वो जो कैपिटल जो रोजमर्रा के कामों में यूज करते हैं, ठीक है, इधर से उधर जाते रहते हैं, भागते रहते हैं। फिक्स्ड कैपिटल मतलब जो उसको हम मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है, एक बार लगा दिया पैसा तो फिक्स हो गया है वहां। देन कॉन्सेप्ट क्या है उसका एंड फैक्टर्स क्या है अफेक्टिंग देयर, ठीक है, देयर रिक्वायरमेंट्स, कितनी फिक्स चाहिए कितनी हमारे नॉन फिक्स चाहिए वर्किंग चाहिए। अब यूनिट नंबर 10 पे आ जाओ। तो यूनिट नंबर 10 में हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सॉरी फाइनेंशियल मार्केट्स है। अब फाइनेंशियल मार्केट्स है, मैनेजमेंट नहीं है यहाँ पर, मार्केट्स है। अब फाइनेंशियल मार्केट होती क्या है, जैसे शेयर मार्केट है, तो फाइनेंशियल मार्केट कॉन्सेप्ट क्या है उसका, देन फंक्शंस क्या होते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स के, एंड टाइप्स क्या होते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स के। तो यहाँ पर क्या है मनी मार्केट एंड इट्स, ठीक है, मनी मार्केट एंड इट्स इंस्ट्रूमेंट्स। तो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं, मनी मार्केट है क्या, देन कैपिटल मार्केट क्या होती है, ठीक है, कैपिटल मार्केट, देन कॉन्सेप्ट क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं इसके कैपिटल मार्केट के, ठीक है, एंड उसके बाद क्या है सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी मेथड ऑफ फ्लोटेशन इन इन द प्राइमरी मार्केट्स, ठीक है। प्राइमरी मार्केट में हमने पहुंचना है सेकेंडरी के थ्रू। उसके बाद आगे हम स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो स्टॉक एक्सचेंज मैंने पहले बताया था ना, BSE NSE ये सब क्या स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पर जो शेयर्स का कारोबार होता है, खरीद फरोख्त होती है, वो सब क्या है हमारी इक्विटीज बोलते हैं शेयर्स को। तो यहाँ पर ये क्या है स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। अब यहाँ पर फंक्शन क्या होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के, ठीक है, ट्रेडिंग होती क्या है, वो सब आपको समझना पड़ेगा, प्रोसीजर समझना पड़ेगा। उसके बाद आए थे हम सिक्योरिटीज, ठीक है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड
ऑफ इंडिया, सेबी बोलते हैं हम इसको, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज। तो ये रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है, जो शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है। तो ये रेगुलेटरी बॉडी हो गई हमारे पास सेबी, ठीक है। सेबी बनाने के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, काम क्या है सेबी के, ये सब समझना पड़ेगा आपको। तो मतलब यहाँ पर शेयर मार्केट का चल गया काम शुरू, फाइनेंशियल मार्केट। देन यूनिट नंबर 12, यूनिट नंबर 12 हमारे पास है कंज्यूमर, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर जैसे मान लो आपने एक मोबाइल खरीद लिया, मोबाइल निकला खराब, आप गए सर्विस सेंटर के ऊपर, सर्विस सेंटर वाले ने खराब ठीक नहीं कर पाया, उसने कंपनी में भेज दिया, ठीक है। कंपनी में भेज दिया तो कंपनी वाले ने कह दिया कि इसके तो स्पेयर पार्ट्स आने बंद हो गए हैं, ठीक है, तो अब क्या होगा आपके मोबाइल का, तो आप तो फंस गए ना। तो ऐसे केस में कंज्यूमर के राइट्स क्या क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ये जीता जाता एग्जांपल, एक्चुअल एग्जांपल दे दिया मैंने आपको, ठीक है। तो अब क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर लिंक दे दिया गया, पढ़ सकते हैं आप, आपको मीनिंग ऑफ दे दिया गया, मीनिंग ऑफ कंज्यूमर, ठीक है, कंज्यूमर राइट्स का मीनिंग क्या है, एंड उसके बाद क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। कंज्यूमर की भी अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हु कैन फाइल कंप्लेंट, कंप्लेंट कौन फाइल कर सकता है। उसके बाद क्या है रेड रिड्रेसल, ठीक है, रेड एंड रिड्रेसल मशीनरी, ठीक है, उसका समाधान कैसे होगा। तो उसके लिए मशीनरी मतलब ये सारे मैकेनिज्म क्या है, कौन होंगे लोग। देन है रेमेडीज, ठीक है, रेमेडीज अवेलेबल, समाधान क्या क्या अवेलेबल है। कंज्यूमर कोर्ट वगैरह आपने सुना होगा, ठीक है, कंज्यूमर फोरम, कंज्यूमर कोर्ट। तो उसके बाद ये सीधा आ गया प्रोजेक्ट, मतलब आपका ये सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ये सिलेबस था आपका बिजनेस स्टडीज का क्लास ट्वेल्थ का, तो हमने सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं यहाँ पर। और मैंने जैसे पहले बताया था आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पर लिस्ट अवेलेबल है बुक्स की, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, दूसरे सब्जेक्ट्स की वीडियो भी आप देख लीजिए, ठीक है, आपके ये सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस अवेलेबल हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।